एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कैंफेक्ट एजुकेशन पे, जहां पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में अभी तक हमने क्या बातें करी हैं? हमने एटॉमिक मास को सीखा है। अगर मैं अब आपको किसी एटम के मास को लिखने के लिए बोलूंगा तो आप तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला, अगर ऑक्सीजन एटम है और इसके एक एटम का मास मैं बोलूं तो आप कहोगे सर 16 AMU आएगा। बहुत करेक्ट। अगर कोई इसका रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आप सिर्फ 16 लिख देंगे। और नेक्स्ट, अगर कोई मोलर मास आपसे बोल दे, आपसे कोई मोलर मास बोल दे, तो वो कितना आएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास का क्या मतलब है सर? मोलर मास का मतलब है कि आपने 1 मोल ऑक्सीजन एटम लिए होंगे। 1 मोल ऑक्सीजन एटम मतलब 6.022 × 10³ ऑक्सीजन एटम। इतने सारे ऑक्सीजन एटम लोगे तो 1 मोल बनेगा और जब जाके जो मास है वो आपका 16 ग्राम हो जाएगा। अब ये नंबर कहाँ से आया था? तो हमने एक स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में सेट करा था, जो कि हमने एएमयू बोला कि इसमें हम यूनिट को मास को मीजर करेंगे और हम कंफर्टेबल थे ग्राम में। हमने कनेक्शन जब देखा तो वहां से 1 ग्राम में 6.022 × 10³ ये रिलेशन आया था जिसे मैं जिस वैल्यू को मैं एनए भी बोल रहा था। तो इस वैल्यू को हमने मोल डिफाइन कर दिया। इतनी बातें हमने अभी तक पढ़ी थी, इतनी सारी जानकारी अभी तक हमने मास के बारे में प्राप्त कर ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएंगे। बट मॉलिक्यूल्स की तरफ जाने से पहले आप सोचो कि अगर आपसे कोई एटॉमिक मास की साइंटिफिक डेफिनेशन पूछ ले, तो जो किताबों में लिखी होती है डेफिनेशन वो पूछ ले, तो फिर कैसे बताओगे? तो हमने एटॉमिक मास एक्चुअल में निकाला कैसे? हमने क्या कहा, केमिस्ट्री में एक बेसिक यूनिट होगी जो जिससे हम पूरी दुनिया की केमिस्ट्री के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, जो कि क्या थी, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। इसका मास जो होगा उससे हम पूरी केमिस्ट्री को कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन एटम ले लूं और इसके मास की बात करूं, नाइट्रोजन एटम और इसके मास की बात करूं, तो वो कितना आएगा? तो आप बोलोगे वो आएगा 14 × 1/12 ऑफ C12 एटम। ये आपने कल पढ़ा था या लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो भी है। ठीक है, तो यहां से आप क्या सीखे? यहां से सीखे कि नाइट्रोजन एटम जो है वो 14 टाइम्स है इस मास के। तो आपका एटॉमिक मास क्या हुआ? एटॉमिक मास एक सिर्फ नंबर है जो इसके नाइट्रोजन के लिए 14 है, ऑक्सीजन के लिए 16 है, जो आपको क्या बता रहा है, जो क्या बता रहा है कि आपका एटम इस वाले मास से कितने टाइम्स हैवियर है। तो अगर आपको एटॉमिक मास की साइंटिफिक डेफिनेशन देनी है तो आप क्या बोलोगे? एटॉमिक मास इज अ नंबर विच टेल्स हाउ मेनी टाइम्स अ एटम इज हैवियर देन, किससे कंपेयर करा, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से कितना हैवी है आपका एटम जिसका आप मास कंपेयर कर रहे हो, बस वही है आपका एटॉमिक मास। ये तो सिर्फ कहने की डेफिनेशन है, आपको समझना कैसे है? एएमयू एक एटम, दो एटम, तीन एटम, मतलब कुछ नंबर ऑफ एटम्स के लिए एएमयू, उसके बाद रिलेटिव बोलोगे तो उसमें यूनिट हट जाएगी, और मोलर मास क्या होगा, इतने सारे एटम्स का मास। इतनी बात हमने लास्ट क्लास में करी थी। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं और एटम से आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएगा, एटम्स जुड़ते चले जाएंगे। क्या होगा? एटम्स कंबाइन होते चले जाएंगे। और एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? तो आप बोलोगे एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां पे अब हमें मोलिक्यूल के मास के बारे में बात करनी होगी। जैसे मैं सिंपल अगर आपको एग्जांपल लिख दूं, H2O, H2O क्या है, एक मोलिक्यूल है जो दो तरीके के एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, और इसके मास की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, इसका मोलिकुलर मास होगा। क्या हो जाएगा? इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहता हूं मोलिकुलर मास हो जाएगा। तो मोलिकुलर मास क्या होगा? मोलिक्यूल कैसे बना था, एटम्स को जोड़ के, तो मोलिक्यूल का मास कैसे आएगा, एटम्स के मास को जोड़ के। तो अगर आपसे कोई मोलिकुलर मास पूछे तो मोलिकुलर मास क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, जितने भी एटम है आपके मोलिक्यूल के अंदर उन सब का एटॉमिक मास आप कंबाइन कर दीजिए तो आपके सामने मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो यहां से अगर H2O का निकालना है तो कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर, दो, और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1,
ऑक्सीजन कितने हैं 16, तो यहां से मास आ जाएगा 18, मास आ जाएगा 18। अब आप लोग बोलोगे सर ये 2 AMU था, ये 16 AMU था, तो यहां पे मैं 18 AMU लिख दूं तो कोई गलती तो नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। बट कुछ जो क्या कह सकते हैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो आपके इस एएमयू पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं सर, हमने तो सही करा है। वो बोलेंगे कि ये H2O एक मॉलिक्यूल है, H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और आपने यूनिट जो लिखी है वो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, की एटम्स के मास को मैं इसमें मेजर करूंगा। तो बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल के लिए आप एटॉमिक मास यूनिट क्यों लिख रहे हैं, तो उनके लिए क्या जवाब है, उनके लिए जवाब है कि हम ये नहीं लिखेंगे, हम मॉलिक्यूल्स के लिए यूनिट जो लेंगे वो होगी यू। यू क्या होगी, यू, यू इज यूनिफाइड मास। यू क्या है, एक यूनिफाइड मास है जो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, मेरे एटॉमिक मास यूनिट के। बट कंफ्यूजन ना हो कि मैं एटम के लिए यूज कर रहा हूं या मॉलिक्यूल के लिए, तो मैंने उसको एएमयू को हटा के यहाँ पे यू कर दिया है। इतनी बात आपको यहाँ पे समझनी है। देखो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, मूल कंसेप्ट सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री को उठा रहे हैं, तो एक भी पॉइंट, इतना सा भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो सारी बातें यहाँ पे आपको पता होगी कि यू मॉलिक्यूल के लिए है, एएमयू एटम के लिए है, क्यों लगाया क्यों नहीं लगाया, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आप मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहते हैं तो आपको एटम्स के, कुछ बेसिक एटम्स के मास का आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग याद कर लीजिए, बट कुछ बेसिक एटम्स हैं उनके मास का आपको आइडिया होना चाहिए। और वो बेसिक एटम्स आपके सामने क्या है, वो बेसिक एटम्स आपके सामने ये, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन मास क्या होता है, 1 होता है। देखिए जब हम 10th क्लास में होते हैं तो हमें आदत होती है कि एटॉमिक नंबर से डबल कर देंगे तो मास नंबर आ जाएगा, हमें ये आदत होती है। बट इस आदत को अब आपको नहीं रखना है। जो आपका यहाँ पे मास नंबर होगा वो क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे दो नंबर भी डिफाइन कर देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे पता लगेगा। अगर यहाँ पे कोई एटॉमिक नंबर बोलता है आप में से, तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। जबकि कोई मास नंबर बोलता है कि मतलब वो नंबर जो मुझे मास बताएगा वो क्या होगा, मेरा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और मैंने आपको बताया भी है यार कि अगर किसी एटम का मास ले रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ दिया था क्योंकि उसका मास कम था, तो मास आया किस वजह से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की वजह से। हम क्लास 10th के बाद डबल क्यों कर देते थे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन कॉमन एलिमेंट्स जो उस टाइम हमें पढ़ने थे उसमें क्या रहते थे, एग्जैक्टली इक्वल। तो प्रोटॉन का डबल कर दोगे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आ जाएगा। बट यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यू कुछ एलिमेंट्स में प्रोटॉन से चेंज हो गई तो आप डबल नहीं कर सकते हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, मास नंबर क्या है, नॉर्मल हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं, 2 है। आइसोटोप्स में से इसमें कोई भी नहीं लिखा है, मैं आइसोटोप की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1 होता है। इसके बाद हीलियम एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, मतलब मास नंबर इस प्रोटॉन कितने हैं, 2 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 है। इसके बाद लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 3, मतलब प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 3 है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर कितना है, 7 है, तो न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे, 4 रहे होंगे, मतलब आप डबल नहीं कर पा रहे हो। तो ये बेसिक चीजें हैं, पता होना चाहिए था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का पता होना चाहिए, जो मैंने सर्कल करे उसमें डबल नहीं हो रहा है। कार्बन 12 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन में भी आप ये देखोगे नियॉन का 20 होता है, सोडियम 23, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, डबल नहीं कर पाए। मैग्नीशियम 24 होता है, एल्युमिनियम 27, फॉस्फोरस तुम्हारा 31, सल्फर 32। इसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन एक अलग चीज आ गई है, क्लोरीन एक अलग चीज आ गई है जिसका आप क्या कहेंगे, जो आपका मास हम लेते हैं इसका वो 35.5 है। और ये हमने क्यों लिया है, ये हमने क्यों लिया है, बिकॉज क्लोरीन जो है वो अपने आइसोटोपिक फॉर्म में बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करता है। जिसके ये बात समझ में नहीं आ रही है, मैं आइसोटोप से एवरेज एटॉमिक मास पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझ में आ जाएगी। तो इसको आप स्टार कर सकते हैं, यहाँ पे आपका मास जो है वो पॉइंट्स में आया है।
पॉइंट्स में आने का मतलब ये है कि वो हमारे आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसके बाद आपका पोटेशियम 39, कैल्शियम आपका 40। तो ये कॉमन है कुछ एलिमेंट जिनका मास का आइडिया आपको होना चाहिए। कुछ और एलिमेंट है, कुछ हेवियर है जिनके मास का भी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मेरा क्रोमियम 52 होता है, एमएन 55 होता है, आयरन 56, ये आपका अगेन कॉपर 63.5, एंड ये सारे आयोडीन तक, मरकरी, लेड, इन सब का आइडिया होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप याद कर लो बैठ के आज से इन एटॉमिक मासेस का रट्टा लगा लो, वो मैं नहीं बोल रहा हूं। इनका मास आप इतनी बार प्रैक्टिस करोगे कि आपको याद ही हो जाएगा, और अगर याद नहीं है तो आपके एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, आपको मास याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की टेंशन मत लो। बट मैंने सिर्फ दिखाया है कि आपको इन मासेस का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब मैं करता हूं नेक्स्ट अपनी बातें शुरू, जो कि क्या है कि मैं इन मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करूंगा, इन मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करूंगा। अब मोलिकुलर मास कैसे, शुगर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर, तो कुछ बेसिक चीजें हैं, शुगर, ग्लूकोस, यूरिया, एसिटिक एसिड, इनका आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जैसे शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये आपके सामने फॉर्मूला है। आप यहाँ पे मास कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, देखिए कार्बन का मास कितना होता है 12, कितने कार्बन है 12, वेरी गुड। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 22। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 11। कैलकुलेट आप करोगे तो शायद 342 ग्राम आ जाएगा, 342 आ जाएगा। और अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो ये मास मैं लिखूंगा 342 यूनिफाइड मास, यूनिफाइड, एक की बात कर रहा हूं, मेरे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल है शुगर का, उसका मास आएगा 342U। अब इसके बाद ग्लूकोस का फॉर्मूला होगा C6H12O6। इसका आप मास कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन, कितने कार्बन है 6, हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है आपके पास, कितने ऑक्सीजन है, तो आप लिखोगे 6। और आप इसे कैलकुलेट करोगे 72 प्लस 12 प्लस 96, कैलकुलेट करेंगे तो 180 आ जाएगा और यूनिट होगी आपकी। तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक भी शब्द लिख रहे हैं तो एक्चुअल में केमिस्ट्री में उसका मतलब क्या है, यू इज यूनिफाइड मास, दैट इज हम एक मॉलिक्यूल के मास के लिए उसको यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे ही वो ज्यादा होंगे, मतलब मोल्स में कन्वर्ट होंगे, तो ग्राम में हो ही जाएगा, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। यू और AMU सेम है, बस आपका डिफरेंस क्या है, इसको यूज करेंगे एटम के लिए और इसको यूज करेंगे मॉलिक्यूल। नेक्स्ट में आपको और डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या आप यूरिया का मास अगर कैलकुलेट करें, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, यूरिया का फॉर्मूला होगा NH2CONH2, क्या होगा NH2CONH2, ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप एसिटिक एसिड के लिए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH, आप इन दोनों के लिए कैलकुलेट करिएगा, आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों का 60 आएगा, दोनों का कितना आएगा 60 आएगा। इसके बाद आपका एक और है CaCO3, आप इसका भी कैलकुलेट करिएगा, इसका आपका 100 आएगा, 100 ही। नेक्स्ट कुछ बचते हैं, जैसे Al2SO4, इसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका वैसे हमारा कितना 342 के आसपास ही कुछ आना चाहिए, देख लेते हैं फिर भी। Al2SO4 का थ्राइस कितना होता है एल्यूमिनियम का, बोलोगे 27, एक एल्यूमिनियम का 27 है और हमारे पास कितने हैं 2। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे, सल्फर का कितना होता है, आप कहोगे 32, ऑक्सीजन का 16 होता है और मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे, बिकॉज यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4। अब इसके बाद आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरी यूनिट के लिए, बिकॉज ये 3 यूनिट मेरे पास थी, जो भी आपका यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा वो आपका यहाँ पे मास होगा, आपको इतनी बात यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं, नेक्स्ट आप किसके लिए, MgCl2.6H2O, तो आपको केमिस्ट्री में अपना गणित का ज्ञान नहीं दिखाना है, अपने मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं दिखानी है, और यहाँ पे डॉट जो है इसको मल्टीप्लीकेशन समझ के मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, 24 मैग्नीशियम का है,
इसके बाद क्लोरीन का आता है 35.5 और कितने क्लोरीन है, आंसर है दो, ये आया। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका MgCl2 का आएगा प्लस में। इसके बाद भी आपका 6H2 का मास ऐड होगा, अपना गणित का ज्ञान नहीं दिखाना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, 6 है और 8H2O का होता है 18, यहां से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इसके बाद आप इसको देखो, इसको देखिए K4FeCN6 क्या है, K4FeCN6। तो आपका पोटेशियम का मास होता है 39 आई थिंक, और कितने पोटेशियम है आपके, 4 है। अब यहाँ पे ब्रैकेट है कोई उसकी कोई टेंशन नहीं, मतलब आपका यहाँ पे आयरन है 56 होगा, Cn कार्बन का कितना होता है, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना, नाइट्रोजन कितना होता है 14, और कितने यूनिट है, 6 यूनिट है, टोटल मास आपका यहाँ से आ जाए। तो इस तरीके से आपको मोलिकुलर मास की कैलकुलेशंस करनी है, मोलिकुलर मास की कैलकुलेशन करनी है। अब आपका नेक्स्ट सवाल उठेगा, नेक्स्ट सवाल होगा वो ये होगा कि अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद अभी तक हमने क्या देखा, एटॉमिक मास, एक एटम का मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मोलर मास, मोलिकुलर मास। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि अगर देखिए कोई मैं मोलिक्यूल ले लूं, जैसे कि मोलिक्यूल आप कुछ भी ले लीजिए, H2O आपका मोलिक्यूल, आप इसका मोलिकुलर मास निकाल लोगे और मोलिकुलर मास आप बोलोगे सर 18U आएगा, रिलेटिव आप बोलोगे रिलेटिव मोलिकुलर मास वो कितना आएगा, वो 18। अब इसके बाद मैं मोल्स की बात करूंगा, अगर मैं इसके मोल्स की बात करूंगा या फिर इसके मोलर मास की बात करूंगा, मोलर मास की बात, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 18 ग्राम, कितना आ जाएगा 18 ग्राम आएगा। अब यहाँ पे चीजें क्या समझनी है कि मोलर मास जो होगा उसमें मैंने कितने मोलिक्यूल लिए होंगे, अभी तक मैं एटम के लिए बोल रहा था, कितने मोलिक्यूल लिए होंगे, 1 मोल मोलिक्यूल लिए होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि अगर आप मोलर मास बोल रहे हो तो मोलिक्यूल और एटम से फर्क नहीं पड़ता, मोलर मास जो है, मोलर मास जो है वो डिफाइन है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स एटम हो, पार्टिकल्स मोलिक्यूल्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या समझना है, अगर मोलर मास है इसका मतलब 1 मोल पार्टिकल्स होंगे, अगर 1 मोल मोलिक्यूल्स आ गए, 1 मोल मोलिक्यूल्स आ गए, तो आप क्या लिखोगे, 1 मोल का मतलब 6.022 × 10³ इतने मोलिक्यूल मेरे पास होंगे, 1 का मास 18U है, 1 का मास 18U है, तो इतने का मास कितना होगा, यू सिर्फ कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, 18 ग्राम मास होगा। अब कईयों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर मोलर मास अगर लिखा हुआ है तो वो 1 मोल एटम के लिए भी हो सकता है, 1 मोल मोलिक्यूल के लिए भी हो सकता है, तो हमारे लिए हम केमिस्ट्री में किस वर्ड को चूज करेंगे, कौन सा वर्ड सेलेक्ट करेंगे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मैं कैसे बताऊंगा कि मेरे पास 1 मोल एटम है, मेरे पास 1 मोल मोलिक्यूल है, तो यहां पे आप एक वर्ड सेलेक्ट करेंगे क्या, जैसे मैं यहां पे आपको एग्जांपल से बताऊंगा, जैसे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आप एक एटम लेते हो तो 16 AMU आता है, 1 मोल मतलब मोलर मास लेते हो, मोलर मास लेते हो तो वो 16 ग्राम, 16 ग्राम आता है, ये आपका एटॉमिक मास है और ये मोलर मास है, ये आपको समझना है। तो अगर एटॉमिक मास 16 AMU है और मोलर मास 16 ग्राम है, तो दोनों में देखने में क्या अंतर लग रहा है, वैसे तो बहुत बड़ा अंतर है, इसमें कितने मोलिक्यूल, इसमें कितने आपके ऑक्सीजन के एटम है, मतलब बहुत सारे एटम है, 6.022 × 10³ एटम है जब जाके ग्राम हुआ है, बट देखने में क्या लग रहा है कि ये तो भाई वैल्यू तो सेम ही रखी है, आपने एम क्यों हटा के ग्राम ही तो कर दिया। तो आप इस मोलर मास को जो कि एक एटम के लिए डिफाइन करा गया है, इसको आप बोल सकते हो AMU की जगह आपने लिखा है ग्राम, तो इसको लिखा जा सकता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास आपके 1 मोल एटम्स का मास होगा, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास होगा। अभी आपने बोला था ना 1 मोल में डिफाइन तो नहीं कर रहे एटम है या मोलिक्यूल है, डिफाइन नहीं कर रहे, यहाँ पे डिफाइन कर दिया है मैंने, 1 मोल एटम का मास आपका ग्राम एटॉमिक मास होगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 1 मोल एटम, ये आपके सामने। अब यहाँ पे कोई
सर अगर मॉलिक्यूल आ जाए फिर क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं करेंगे, सिंपल देखो यही चीज है, H2O। अगर एक H2O है, एक H2O है तो क्या बोलूंगा? मोलिकुलर मास बोलूंगा, मोलिकुलर मास बोलूंगा। और ये मोलिकुलर मास कितना आएगा? 18U आएगा, 18U आएगा। और अगर इसका मोलर मास मैं लिखना चाहता हूं तो कितने कितने मैं H2O के मॉलिक्यूल लाऊंगा? Na मॉलिक्यूल। अब तो मैं Na बोलूंगा, बार बार इतना बड़ा नंबर कौन बोले? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 18 ग्राम। कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। तो आपने अगेन क्या करा है? यू हटा के ग्राम लगा दिया, यू हटा के आपने यहाँ पे अगेन क्या करा है? ग्राम लगा दिया है। तो आप लोग यहाँ पे अगेन क्या लिखोगे? ये आपका मोलर मास मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन है जो कि ग्राम में आ रहा है, तो आप इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो। तो अब आपको एग्जैक्ट पता है कि अगर एक मोल मॉलिक्यूल है तो आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, अगर एक मोल एटम है तो आप वहां पे ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। तो एक एक बेसिक चीज क्लियर है, एक एक बेसिक चीज क्लियर है कि आपको क्या कब बोलना है, कौन सा सिंबल है, उस सिंबल का मतलब क्या है। यही है आपके बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, कि बेसिक आपको केमिस्ट्री में क्या आना चाहिए। तो अब नेक्स्ट मैं यहां से मोल कंसेप्ट की तरफ मूव करूंगा कि अभी तक मैं यहाँ पे मोल कंसेप्ट में क्या सीखा हूं, मोल कंसेप्ट में मैं क्या सीखा हूं आपको ये समझना पड़ेगा। मोल कंसेप्ट आप हेडिंग डाल सकते हैं, मोल कंसेप्ट। तो अभी तक मेरे कॉन्सेप्ट जो बने हैं मोल्स के रिगार्डिंग वो दो चीजों को लेके बने। वो क्या बने कि सर अगर कोई एक मोल लिखता है तो इसका मतलब है वो 6.022 × 10³ इतने एटम इतने मॉलिक्यूल, मतलब इस नंबर की बात कर रहा है एक मोल का ये मतलब। और अगर मैं एक मोल एटम ले लूं, एक मोल मॉलिक्यूल ले लूं, तो उसको मैं मोलर मास भी बोल सकता हूं। कितना मास आएगा उसमें? मोलर मास आएगा। और अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर लूं तो वॉल्यूम 22.7 भी हो सकती है, 22.4 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ प्रेशर, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम दोनों में से कुछ भी हो सकती है, लीटर्स में, लीटर में। अभी हम उस बात को भी डिस्कस करेंगे कि अगर प्रेशर एटीएम में है तो कौन सी वॉल्यूम आएगी, प्रेशर बार में है तो कौन सी वॉल्यूम आएगी। तो ये आपकी एक लाइन, मैं आपको कैसे ही इसकी इंपोर्टेंस का अंदाजा बताऊं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इसकी इंपोर्टेंस का अंदाजा बताने के लिए, इतनी इंपोर्टेंट लाइन है ये केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में इतनी इंपोर्टेंट लाइन है ही नहीं। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर है तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से आने लगेगी। आप कहोगे सर इतनी सी लाइन बोल रहे हो और इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, ये इतनी ही महत्वपूर्ण बात है। और इससे भी महत्वपूर्ण अगर मैं बोलना, अगर मेरे पास कुछ चीज होती है आपको इंपोर्टेंस दिखाने के लिए तो मैं वो दिखा देता, इससे इंपोर्टेंट लाइन आपके लिए नहीं है, बट अगर आपके ये समझ में आती है तो ठीक है। तो यहां से आगे चलते हैं, क्या एक मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स, एटम मॉलिक्यूल आयंस कुछ भी हो सकते हैं, मास मोलर मास के बराबर, और वॉल्यूम दोनों में से कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस दैट मैं हम उसको, उस कंडीशन को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब यहां से मैं दो चीजों को पहले कनेक्ट कर देता हूं, पहले इसको कनेक्ट करता हूं कि अगर एक मोल मैंने लिया है तो वहां पे मास आया है मोलर मास के बराबर, मोलर मास के बराबर, और इस मोलर मास को मैं एमएम ग्राम लिख दूं, एमएम ग्राम, मोलर मास आपका ग्राम में होगा ऑब्वियसली, इसीलिए तो हमने मोलर मास को डिफाइन ही कराया कि ग्राम में हमें चाहिए था। अब यहां से अगर कोई एक ग्राम ले आए तो उसमें कितने मोल्स आएंगे? उसमें 1/mm मोल्स आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा अगर आपकी यूनिटरी स्ट्रॉन्ग है। यूनिटरी का मतलब समझते हो ना, जो आप हिसाब लगाते हो, हिसाब कैसे लगाते हो कि अगर एक हाथ में 2 टॉफी तो 10 हाथ में 20 टॉफी, ये वाले जो बात है, अगर इसको बहुत अच्छे से आप समझते हो ना तो ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए, ये यूनिटरी मेथड है आपका मोल कंसेप्ट, आगे जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इसी बेसिस पे होंगे। एक ग्राम में इतने मोल आएंगे, अगर मान लीजिए मैं कुछ गिवन मास ले आऊं, गिवन मास मतलब कुछ 5 ग्राम 10, 1 ग्राम का पता है ना मुझे, 1 ग्राम में इतने मोल्स होते हैं ये पता है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम कुछ भी ले आऊं तो उसे मैं गिवन मास बोल रहा हूँ, मतलब मैं इतने ग्राम लेके आया हूँ
तो इसमें मोल्स कितने आएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इतने मोल्स मेरे होंगे, इतने मोल्स मेरे होंगे इतने ग्राम में, इतने ग्राम में। तो इसका मतलब अगर आपको, अगर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, मैं इसको, चलिए मैं क्या करूं, एक पेज और ऐड कर लेता हूं। अगर आपको कुछ गिवन मास दिया हुआ है, देखो भाई, अगर गिवन मास कुछ दिया है और इसमें आपको मोल्स बताने हैं, गिवन मास को मैं ऐसे लिखूंगा, और अगर यहाँ पे आपको मोल्स बताने हैं तो अभी हमने देखा मोल्स आएंगे कि जो भी मास है उसे मोलर मास से डिवाइड कर दो, उसे मोलर मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे लिखोगे तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा क्वेश्चंस करने में, कि मोल्स तक पहुंचना है, कहां से पहुंचना है, मास से पहुंचना है। कुछ ना कुछ आपको गिवन मास दिया होगा, ठीक है, और इस मास से आपको मोल्स पे जाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन मास को डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से, आपके मोल्स आ जाएंगे। और अगर मोल से आपको गिवन मास पे जाना है तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे गिवन मास इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, आप ये भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आप क्या समझोगे कि अगर मेरे पास मोल्स हैं और मुझे गिवन मास पे पहुंचना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास से। ये आपकी जो पूरा जंक्शन बनेगा, मोल, मोल क्या है, एक जंक्शन है जहां से तीन तरफ गाड़ी जाती है। एक गाड़ी कौन सी जाएगी मेरी, एक गाड़ी कौन सी जाएगी मेरी मोलर मास पे या फिर मास पे, एक मोल से एक गाड़ी मेरी मास पे जा सकती है, एक गाड़ी मेरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जा सकती है और एक गाड़ी मेरी वॉल्यूम पे जा सकती है। मोल एक जंक्शन है जिसकी, जहां से तीन तरफ के लिए गाड़ियां जा सकती हैं, है ना। तो वहां से तीन तरफ की तरफ जो गाड़ी जाएंगी उसमें आपका एक जंक्शन यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा है, कौन सा, मास। मोल से आप मास की तरफ जाना चाहते हैं तो डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको यहां से समझ में आता है आप लोग अच्छे से समझिए। क्या कि अगर गिवन मास मेरे को दिया है, गिवन मास मुझे दिया है, मोल्स पे जाना है डिवाइड कर दूंगा, मोल से दिए हैं गिवन मास पे जाना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको एक आध एग्जाम्पल की बात करूं, देखिए कौन से एग्जाम्पल होंगे, बहुत, देखिए इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहले तरीके के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, पहले तरीके के मतलब बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, उसके बाद हम सेकंड तरीके की तरफ मूव करेंगे जो कि अच्छे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाएंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर वन आप इसे लिखिए और इसके ऊपर आप टाइप वन लिखिए, टाइप वन बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस फॉर्मूला। क्या होगा कि We have, हमारे पास क्या है, 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज, फाइंड मोल्स ऑफ ग्लूकोज, आप ग्लूकोज के मोल्स बताइए, ठीक है, सिंपल है, बहुत बेसिक। तो आप कहोगे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, अगर इसके मोलर मास की बात करता हूं, मोलर मास की बात करता हूं तो वो कितना आएगा, 6 × 12 + 12 × 1 + 16 × 6, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी करा है और वो कितना आया था, 180 ग्राम पर मोल, क्या आया था, 180 ग्राम पर मोल, मतलब अगर इसका एक मोल लूं तो मेरे पास कितना वेट आएगा, 180 ग्राम आएगा, कहने का मतलब तो ये। अब यहां से आप नेक्स्ट चीज क्या करोगे, नेक्स्ट चीज आपको मोल्स निकालने हैं तो सिंपल मोल्स आप लिखोगे, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास मेरा कितना है, 60 है, मोलर मास मेरा 180 है, तो 1/3 मोल्स मेरे पास होंगे। ये आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो बोलो इतनी बात आपको समझ में आई कि यहाँ पे आपको मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, ये आपका दूसरा। इसके बाद आपके दो क्वेश्चंस हैं,
ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि आपके मास और मोल के रिलेशन पे पूछे जा सकते हैं, और ये तो आपका आईआईटी एडवांस आई थिंक पूछा भी गया है, आईआईटी में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस तरीके से इन्हें अप्रोच करना है, तो आप इन्हें लिखोगे टाइप सेकंड, टाइप सेकंड, जो कि आपसे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे जा सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट पे एक और अगर आपसे न्यूमेरिकल में करा लूं, अगर मैं बोलूं वी हैव सिमिलर है, मतलब वी हैव, मैं इतनी अंग्रेजी क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 15.8 ग्राम KMnO4 है, पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है, इतना मेरे पास है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मेरे को बताइए मोल्स कितने होंगे, मोल्स कितने होंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, तो मोलर मास कितना आएगा, 39 आएगा, 39 आएगा पोटेशियम की वजह से आई थिंक, और 55 शायद आएगा मैग्नीज की वजह से, और 16 × 4 आपका किसकी वजह से आएगा, वो आएगा आपका ऑक्सीजन की वजह से। और अगर इसे आप कैलकुलेट करते हैं, इसे आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 158 ग्राम पर मोल। तो यहां से आपका मोलर मास आया। उसके बाद आप बोलोगे कि मोल्स का फॉर्मूला मुझे पता है, गिवन मास 15.8, मोलर मास इज 158। यहां से आपका आंसर आ जाएगा कि मेरे पास कितने मोल्स हैं, और आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 0.1। ये आप कर सकते हो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि मेरे पास 10 ग्राम CaCO3 है, मोल्स बताइए। तो ये तो अब देखिए कोई मतलब नहीं बचा, मैं मेथड सिखा चुका हूं, रिपीटेशन हो रहा है क्वेश्चन का, आप लोगों को भी दिख रहा है, तो आप लोग इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टाइप सेकंड की तरफ, जिसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, जिसमें आप एक अच्छी सी और बात सीखोगे, उसको समझो, ठीक है। अब तो रिपीटेशन है, पहला तरीका, पहला टाइप, टाइप वन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ऐसे ना मिटा के, मैं इसको ऐसे मिटा दूं तो कितना कंफर्टेबल रहे, है ना। चलो तो अब हमें क्या सीखना है, ये आपको दिख रहा है अच्छे से, दिखना ही चाहिए। चलिए क्या है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स, एक कोई एलिमेंट है जिसके एक एटम का मास, ध्यान सुन लेना, एक एटम का मास, बिल्कुल ध्यान से, एक एटम का मास उसका कितना है, वो है 1.6 × 10⁻²³ ग्राम। ये किसका मास है, एक एटम का, एक एटम का मास, बहुत ध्यान से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपको मोल्स बताने, मोल्स आपको बताने, क्वेश्चन मार्क कितने में, गिवन मास है इस बार 19.2 केजी, है ना, केजी, चलिए ये आपका गिवन मास है, ये आपको बताना है। तो अब आप यहां पे क्या करोगे, आप पहले मोलर मास निकालोगे, तो अगर मोलर मास आपसे पूछ ले फॉर्मूला देके, कैसे फॉर्मूला देके, तो आपके लिए तो बहुत आसान है, जैसे अगर यहाँ पे मोलर मास, अगर ये CH3COH होता तो आप फटाक से निकाल देते, कहते सर 60 आएगा, बट इस टाइम उसने फॉर्मूला नहीं दिया, उसने बोला कोई एलिमेंट एक्स है, एक्स का पता लगाइए। आप लोग कहोगे सर एक्स का पता तो मैं आज तक नहीं लगा पाया, ऐसे एक्स, चलो छोड़ो, तो बेकार बात है, मास एलिमेंट एक्स का इतना है तो उसका मोलर मास क्या होगा। अगर अब इस क्वेश्चन को आपको करना है तो आपको मोलर मास की बेसिक डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। बेसिक डेफिनेशन मोलर मास की क्या होगी, बेसिक डेफिनेशन मोलर मास की क्या होगी, वो होगी कि भाई मोलर मास होता है एक मोल एलिमेंट का मास, वन मोल ऑफ एलिमेंट अगर मैं लूंगा तो उसका मास जो आएगा वो मैं मोलर मास कहूंगा। और एक मोल एलिमेंट मतलब मैं कितने एलिमेंट के पार्टिकल ले रहा हूं, एलिमेंट के कितने पार्टिकल ले रहा हूं, समझना, एक मोल एलिमेंट का मास मोलर मास होगा, और एक मोल का मतलब कितने पार्टिकल आएंगे, तो आंसर होगा, ठीक है, तो आंसर होगा एक मोल मतलब 6.022 × 10³³, इतने एलिमेंट एक्स के लिए जाएंगे तो इतने एलिमेंट का मास जो होगा वो मोलर मास होगा, इतने एटम लिए जाएंगे, मैं एलिमेंट क्यों बोल रहा हूं, इतने एटम लिए जाएंगे तो इन एटम्स का मास जो होगा वो मोलर मास के बराबर होगा। अब एक एटम का मास मुझे पता है, एक एटम का मास मुझे पता है, और मुझे इतने एटम का मास बताना है, ध्यान से समझ लेना,
एक एटम का मास पता है और इतने एटम का मास मुझे पता करना है, अगर पता कर लिया तो वो मोलर मास आ जाएगा, और मोलर मास पता है, गिवन मास पता है, तो मैं यहां से मोल्स कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो देखो दूसरा तरीका क्यों बोल रहा हूं, दूसरा तरीका मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पहले तरीके में तो फॉर्मूला दे देगा तो वहां से मोलर मास करना कैलकुलेट करना आसान है। दूसरा तरीका एक एटम का मास देगा, मोलर मास कैसे निकालेंगे, एक एटम का मास पता है, इतने का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, मेरे एक इस मार्कर का मास 5 ग्राम है तो इसका भी 5 ग्राम होगा, तो दोनों का 10 ग्राम होगा, ऐसे ही करना होगा। तो एक का मास कितना है, इतना, इतने का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे और वो मास मेरा मोलर मास के बराबर, मोलर मास के बराबर जो भी यहां से मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका मोलर मास होगा। तो अगर आपको मोलर मास यहां से पता लग गया, तो अब मोल्स का फॉर्मूला तो आसान है, मोल्स क्या होंगे, गिवन मास, गिवन मास इज 19.2 ग्राम, उसको 19.2 kg, उसको ग्राम में लिखेंगे तो इतना आएगा, और यहां से आपका 6.022 × 10⁻³ × 1.6 × 10⁻²³ पावर्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, और जो भी आप यहां से कैलकुलेशन करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था सेकंड तरीका जिसमें आपको एक पार्टिकल देगा, उसका मास देगा, तो 6.022 × 10⁻²³ से मल्टीप्लाई करके मोलर मास निकालोगे, गिवन मास पता है, वहां से मोल्स आ जाएंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पे दिया गया है, वो रहा ये आपका आईआईटी में पूछा गया था, क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट्स 1 kg, आपको बताना है कि मोल मतलब आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन के कितने मोल्स आएंगे, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 kg में होंगे। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, देखो है ना, आप इसे यूनिटरी से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको इस वाले फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन बता दूंगा, देखिए कैसे, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास कितना होगा, 9.1 × 10⁻³ kg, ये होगा ठीक है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ये है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास मुझे पता है और मुझे मोलर मास पता करना है, बहुत ध्यान समझना, एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है और मुझे मोलर मास पता करना है, तो मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास क्या होता है 6.022 × 10⁻²। अगर इतने इलेक्ट्रॉन लूंगा तो एक मोल बनेगा और एक का मास इतना है तो इतने का मास कितना होगा, वो आपका मोलर मास होगा। कैसे पता करूंगा, मल्टीप्लाई करके पता करूंगा, 6.022 × 10⁻², इतने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, एक का मास कितना है, ये आपको डिवाइड लग सकता है तो मैंने मिटा दिया, एक का मास कितना है, 9.1 × 10⁻³, और इसको ग्राम में लिखोगे, इसको केजी में नहीं लिखोगे, किसमें लिखोगे, ग्राम में लिखोगे, तो −28 आ जाएगा, ये आपका किसमें आया, ये आपका मोलर मास आया, क्या आया, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे सर मोल्स पता करने थे, आपने मोलर मास बताया, मोल्स कैसे पता करेंगे, गिवन मास इज आपको बताना था 1 किलो इलेक्ट्रॉन, 1 किलो इलेक्ट्रॉन का मतलब 1000 ग्राम इलेक्ट्रॉन, तो ये गिवन मास हुआ। मोलर मास होगा 6.022 × 10⁻²³, है ना, कैलकुलेशंस आप करेंगे, मल्टीप्लाई 9.1 × 10⁻²⁸, यहां से जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो आपका मोल आ जाएगा। देखो मोल क्या होता है, गिवन मास, उसने पूछा बताओ 1 किलो में कितना होगा, तो गिवन मास मेरा 1000 ग्राम हो गया, अरे ये तो पता है ना, 1 kg = 1000 ग्राम, ये तो पता है, तो यहां से मैंने 1 किलो को 1000 ग्राम लिखा, ये गिवन मास हुआ। मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ये होगा, कैलकुलेशन आपके हाथ में है तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इतनी बातें मैंने आप लोगों को बताई कि जो क्या थी,
मेरे को मोल्स कैलकुलेट करने थे, गिवन मास से कैलकुलेट करने थे। दो तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो अगर ऐसे कैटेगराइजेशन हो गया ना कि कितने तरीके के क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो फिर क्या ही बचा बताओ, बचा क्या हो जीवन में, जीवन में वैसे भी क्या ही बचा। अब नेक्स्ट बताओ, कोरोना के बाद जीवन बर्बाद। नेक्स्ट इससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन्हें करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोल की, मोल स्टेशन से दूसरी तरफ जाने का। मोल स्टेशन से हम तीन तरफ जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक मोल हमारा होता है किसके बराबर, एक मोल होता है मेरा 6.022 × 10³। कितने पार्टिकल्स होंगे, एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी। उसके बाद मास जो होगा वो मोलर मास के बराबर होगा। और एक वॉल्यूम की बात करो तो 22.4 और 22.7 लीटर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, जो कंडीशंस हमें डिस्कस करनी है। तो अभी आप यहां से स्टार्ट हुए थे, यहां गए, आपने देखा कैसे जा सकते हैं, कैसे इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अब हमें यहां से स्टार्ट होना है और यहां जाना है। कैसे जाएंगे, तो मैं लिखूंगा एक मोल का मतलब होता है एन ए पार्टिकल। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसे, एन ए पार्टिकल बोल सकते हैं। अगर ये बोला जा सकता है तो आपसे कोई पूछे कि बता, आज तू बता दे कि एक पार्टिकल अगर है तो उसमें कितने मोल्स होंगे, यहां पे आएगा 1/NA मोल्स, ये आपका यहां से आंसर। वेरी गुड, ठीक है। अगर यहां से कोई एन पार्टिकल बोल दे कि मतलब एक पार्टिकल में इतने मोल्स हो गए, यार देखो यूनिटरी का मतलब क्या है, पहले आप एक में पता करो, उसके बाद जितने में पता करने हैं गुणा कर दो। एक हाथ में दो टॉफी, 10 में कितनी, तो पहले हर कोई से ने ये क्यों बोला, एक हाथ में पता करो, जितने पता करना मल्टीप्लाई कर दो। एक पार्टिकल में इतने मोल्स हैं तो 50 पार्टिकल 100 पार्टिकल 200 पार्टिकल, कितने भी पार्टिकल है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपके पास यहाँ पे जनरलाइजेशन के लिए मैं लिख दूं कि n पार्टिकल्स हुए तो वहां पे मेरे मोल्स होंगे n/NA मोल्स। ये आपका यहां से नेक्स्ट जो आपको समझना था वो आया, क्या आया है, ये तो आपके सामने फॉर्मूला है कि अगर आपको पार्टिकल्स दिए हैं मोल्स निकालने हैं तो ये हो। तो अभी हम बीच जंक्शन पे थे जहां पे मैंने आपको मोल बताया था, मैंने आपको क्या बोला था, मोल, मैंने बोला मोल। तो इससे आपकी दो तरफ की गाड़ी छूटने लगी है ना, कोई आप स्टेशन पे हैं, वहां से आप जा सकते हैं इधर मास की तरफ। गिवन मास इसे लिखना बेटर होगा, किसी का भी अगर एक्चुअल जो गिवन मास है अच्छे से लिख दो ना इसे। अगर मेरे पास मोल्स है तो मैं इस तरह मास की तरफ जाना चाहता हूं जो कि गिवन मास है। आप कैसे जाना पसंद करेंगे, मोल से मास के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास से, और गिवन मास से मोल्स पे जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। ये मेरा एक स्टेशन हुआ, ये मेरा एक जंक्शन है जहां से मैं चारों तरफ जा सकता हूं। अगर मुझे मोल से जाना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ, कहां जाना है, इधर आ जाओ, मोल से पार्टिकल की तरफ। तो अभी मैंने देखा है मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या रिलेशन है, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या रिलेशन है, अभी अभी मैंने देखा है। तो मोल से अगर पार्टिकल की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एनए से, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स की तरफ जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा एनए से, डिवाइड करना पड़ेगा एनए से। तो ये वाली दो कहानी अभी आपको पता लगी है, एक कहानी यहाँ पे बची हुई है जो कि क्या है, वॉल्यूम की, जो कि क्या है, वॉल्यूम की, जिसको हम कंडीशंस के लिए, जिसको हम पहले कंडीशन पढ़ेंगे कौन सी कंडीशन पे कितनी वॉल्यूम, और उसके बाद उस दिशा में भी जाने की कोशिश करेंगे, दिशा, दिशा पटानी है ना। यहां से अब इतने मोल्स हैं तो मोल वॉल्यूम की तरफ कैसे जाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सिंपल क्वेश्चन क्या होंगे, बहुत बेसिक है ना, जो बिल्कुल बेकार से किताब में लिखे रहेंगे वो क्वेश्चन क्या होंगे, मैं एक आध लिख देता हूं इधर, आप लोग कर लेंगे। आपसे बोलेगा पहला क्वेश्चन
कि बताओ मेरे पास 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, तो मोल्स कितने होंगे? तो आप लोग क्या करोगे, मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल 12.044 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय एन, यही होता है मोल्स का फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां से आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आंसर आ जाएगा 2। एक तो ये बिल्कुल बचकाने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है आपके ये, क्या इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा, अभी तक हम दो स्टेशन पे गए हैं, इसको आप समझना, ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। देखो यहां पे हमारा ये है जो भी मेन चीज आई है, जो मेन चीज आई है वो ये जो ब्रैकेट में मैंने बताया क्या क्या आई। अगर आपसे मास दे और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे तो कैसे निकालोगे, मास दे के नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे मास से पहले मैं मोल्स पे जाऊंगा और मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने मुझे आते हैं, मास से पहले मैं मोल्स पे जाऊंगा और फिर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने आते हैं। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दे के मास पूछ ले तो पहले मोल्स पे आओगे उसके बाद मास पे जाओगे, तो ये आपको कनेक्टिविटी तोड़नी नहीं है, आपका बीच सेंट्रल स्टेशन है मोल्स, और जो किसको मास और नंबर ऑफ पार्टिकल को कनेक्ट कर रहा है, इतनी बात समझनी है। अब नेक्स्ट यहां से समझो, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एच ई एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीलियम एटम किसमें, 100 ग्राम हीलियम में, 100 ग्राम हीलियम में। तो पहले आपसे क्या करवा रहा है, मास दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं, मास दे के नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, तो आप लोग बिल्कुल शातिर लोग हो, आप कहोगे ये एक्चुअल में पहले मुझसे मोल निकलवाना चाहता है, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास इज, गिवन मास कितना है 100, मोलर मास इसका आएगा 4, तो यहां से आपके मोल्स आ जाएंगे 25, कितने मोल है 25। उसके बाद हमें पता है एक मोल में एनए पार्टिकल होते हैं, एनए एटम आएंगे हीलियम के, पार्टिकल क्यों लिख रहा हूं जब हीलियम की बात चल रही है तो एग्जैक्ट लिख सकता हूं ना। अब एक मोल में कितने एटम आते हैं, तो 25 मोल में कितने आएंगे, आंसर आपका होगा 25 एनए, ये आपका यहाँ पे अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब सेकेंड पार्ट इसका जो है वो इंटरेस्टिंग है, वो अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, है ना, क्या अब इसमें आप लोग क्या करोगे, अब यहाँ पे आप मोल बोल की तरफ नहीं जा सकते, मैंने आपको बताया है जो मास है वो एएमयू में गिवन है, किसमें गिवन है, एएमयू में गिवन है। अगर मास एएमयू में गिवन होगा, किसमें, एएमयू में, तो इसका मतलब मोल्स की बात नहीं चल रही होगी, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात चल रही होगी, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, मतलब मोल्स की बात नहीं है। तो आप लोग यहां से क्या बात समझे, आप लोग बात समझोगे कि सर एक हीलियम एटम है, एक हीलियम एटम है तो इसका मास कितना होता है, एक हीलियम एटम का मास होता है 4 एएमयू, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। अगर एक एएमयू मैं लूं, एक एएमयू मैं लेके आऊं, तो मेरे पास 1/4 हीलियम एटम होगा, 1/4 हीलियम एटम होगा, ठीक है, और मेरे पास कितने एएमयू हैं, 100 AMU है, तो कितने यहाँ पे एटम होंगे, 100 डिवाइड बाय 4 दैट इज 25 हीलियम एटम, और उसमें क्या थे 25 मोल हीलियम एटम, 25, और अगर तो उसमें कितने थे 25 Na, और अगर Na की वैल्यू पुट कर दो तो 25 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की सॉरी 1.6 को लिख दिया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने एटम होंगे हीलियम के, किसमें, 100 ग्राम में इतने एटम होंगे, और 100 AMU में सिर्फ 25 एटम होंगे, तो इसका डिफरेंस आप समझो, नहीं यहां पे क्वेश्चन हो जाएगा, समझ में आगे चीज क्लियर हो जाएंगे, बट मतलब क्या है, अगर AMU है एक पार्टिकल जो दिखता भी नहीं, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, 10 पार्टिकल जो दिखते भी नहीं है, उनके मासिस की बात चल रही है, और अगर ग्राम में ले जाना है
तो कितने पार्टिकल लेने पड़ेंगे? 10 की पावर 23 में कहीं जाके संख्या आ रही है, तो 10 की पावर 23 कितनी बड़ी संख्या है आपको मैं बता रहा हूं। आप मोल पति हो तो किसी में दुनिया में इतना पैसा नहीं है जितना आपके पास होगा, तो मोल एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इसको गलती से भी 25 और इसको गलती से भी 25 एनए मत करना, एग्जैक्ट मतलब पता करना, 25 हीलियम एटम और 25 एनए, 25 मोल हीलियम एटम का मतलब क्या होगा, अंतर है उसको ही आपको समझना है जब भी आप मेरे से यहां पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे है। थोड़ा सा भाई इसमें आ जाए, थोड़ा सा अच्छे से बोल, क्लियर है, अब दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि यहां से इसको मिटा देना है। वेरी गुड, देखो कितना जल्दी मिट गया। अब क्या है, बोल रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 196, ये भी मिट जाएगा क्या, 196 U क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, मोल्स की बात नहीं है। तो बोल रहा है कि अगर इतने U मतलब इतना मास है मेरे पास H2SO4 का, तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम आएंगे, ये सेकंड क्वेश्चन। तो अगर यहां से आप बोलो, आप बोलोगे H2SO4 का मास कितना होता है, 98 U। अगर आपके पास एक H2SO4 है तो आपके पास कितना कितना मास है, 98 U, यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होता है, इतना मास आपके पास है। अगर आपके पास एक U है तो आपके पास कितने H2SO4 है, 1/98 H2SO4 के मॉलिक्यूल में बोल दूंगा इसे, बार बार मॉलिक्यूल लिखना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, एक U में इतने मॉलिक्यूल हैं और मेरे पास 196 U हैं, तो कितने आ जाएंगे, 196 / 98, मतलब आपके पास यहाँ पे 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल हैं, मतलब आपके पास यहाँ पे 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल, सिर्फ दो मोल नहीं, सिर्फ दो मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में आपके कितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं, 4, दिख रहा है। अगर आपके कोई ऐसे लिख दे कि H, देख भाई इधर देख, अगर कोई ऐसे लिख दे H2SO4 तो कितने ऑक्सीजन हैं आपके सामने बताओ, तो आंसर है 4, कितने हैं, 4। तो अगर अगर यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल आ जाए तो उसमें भी कितने आएंगे, 4, तो टोटल कितने ऑक्सीजन एटम है, आंसर है 8। तो यहां पे ही आपको समझना है कि AMU और ग्राम में कितना बड़ा अंतर है, ये आपको समझना। तो नेक्स्ट आपका आंसर इसका हुआ 8। नेक्स्ट हम समझते हैं, आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर मोबाइल में जहां भी आप देख रहे हो, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, क्या है मेरे सब पास, मेरे पास 3.42 ग्राम, अब देख लो किसकी बात चल रही है, मोल्स की बात चल रही है, क्योंकि यूनिट क्या आ गई, ग्राम, ग्राम मतलब मोल्स की तरफ सोचो, इतने ग्राम शुगर है, बताइए कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने एटम होंगे और हर प्रकार के कितने एटम होंगे, ये आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन है, 3.42 ग्राम शुगर, शुगर ही थी क्या या ग्लूकोज था, ग्लूकोज मान लो, जो भी लिखा था मैं ग्लूकोज मान रहा हूँ, कभी फिर मेरे को कहो कि सर ग्लूकोज लिखा था, शुगर करा दिया, शुगर लिखा था, ग्लूकोज करा दिया, ग्लूकोज लिखा था, आंसर क्या है, इतने ग्राम है। तो यहां से आप मोल्स निकालोगे, मोल्स निकालोगे 3.42 ग्राम गिवन मास है, मोलर मास 342 आएगा, है ना। तो इसे आप ग्लूकोज ना करके आप लोग एक काम करो, शुगर कर लो, क्योंकि शुगर में कैलकुलेशन मेरे लिए आसान पड़ जाएगी, तो मैं इसे यही मान के चलूंगा। शुगर का मोलर मास कितना होता है, 342। तो यहां से मोल्स कितने आएंगे, यहां से मोल्स आ जाएंगे 0.01, कितने आ जाएंगे 0.01, इतने मोल्स हैं। तो आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था मोल्स जो होते हैं वो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देख लो इधर, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एन ए, ये होता है। अब मेरे पास मोल्स हैं 0.01, ठीक है, और मेरे से गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछना चाह रहा है, तो मैं उसे कैसे बताऊंगा आंसर,
मैं कहूंगा 0.01 इज इक्वल्स टू, इसे एन बोल लो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल एन ए की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो यहां से आपका गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, और मैं एन ए के टर्म्स में लिख दूं, मतलब मैं इसे ऐसे लिख दूं 6.022 × 10^2 या तो 21 लिख लो, ये तो एग्जैक्ट नंबर है, और अगर इसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो एन ए के टर्म्स में, ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है, ये तो आपके क्या है, ये आपके आए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, क्या आए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आए, बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि बता नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ये तो बता दे लाला कितने एटम हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या है C12H22O11। अगर आपके पास एक मोलिक्यूल है तो उसमें कितने एटम हैं, 12 कार्बन के एटम, 22 हाइड्रोजन के एटम और 11 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो यहां से आपको क्या पता लगा है, यहां से पता लगा कि टोटल एटम कितने हैं, 2, 2, 4 और 5, इसके बाद 2, 1, 3 और 1, 4, मतलब एक एक अगर मॉलिक्यूल है तो 45 एटम है, एक मॉलिक्यूल है तो 45 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल होंगे तो कितने एटम होंगे, तो लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स, टोटल टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल आएगा, 45 एक में है, और हमारे पास कितने हैं, हमारे पास या तो एग्जैक्ट चाहिए तो ये वैल्यू लिख लो, अगर एन ए के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, और अगर एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो एन ए की वैल्यू पुट कर देना, आपको पता है एन ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप कैसे पता करेंगे, इसमें कार्बन के एटम कितने होंगे, देखो 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 मोलिक्यूल्स कितने आए हैं, मोलिक्यूल कितने आए हैं, आंसर है 0.01 NA। फॉर्मूला क्या है मोलिक्यूल का, C12H22O11। कार्बन एटम कितने होंगे, कार्बन एटम कितने होंगे, एक 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 मोलिक्यूल में, एक मोलिक्यूल में 12 कार्बन एटम है, एक मोलिक्यूल में 12 कार्बन एटम है, तो इसका मतलब इतने मोलिक्यूल में, इतने मोलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 12 × 0.01 NA, ठीक है। हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, एक में कितने हैं 22, एक में कितने हैं 22, तो इतने में कितने होंगे 0.1 NA। सिमिलरली ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो कितने होंगे 11 × 0.01। तो यहां तक हम सीखे हैं, क्या सीखे, मोल